नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। पिछले सोमवार को मनगवा की घनी बस्ती में मां बेटे की मौत हो गई थी आग में जलने की वजह से। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की, दहेज हत्या का प्रकरण मानते हुए पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले को लेकर हमने रीवा के पुलिस कप्तान से बात की। घर में आग लगने से मां बेटे की मौके पर मौत, मामले में पति गिरफ्तार। पिछले सोमवार का है मामला, दहेज प्रकरण का लगा मामला। पुलिस कप्तान ने दी जानकारी, महिला के परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। हम आपको बता दें, पिछले दिनों मनगवा की पुरानी बस्ती में घर में आग लगने से मां और उसके एक साल के मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई थी। मोहल्ले के लोगों ने जब घर से धुआं निकलता देखा था तो तत्काल ही घर के पास पहुंचे थे। घर के अंदर से बंद दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश करने के बाद मोहल्ले के लोगों ने देखा, मां बेटे दोनों बुरी तरीके से झुलस गए। इस बात की जानकारी उन्होंने मनगवा पुलिस को दी। पुलिस ने जांच के बाद पति को दहेज मामले में दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बीते 16 जनवरी को मनगवा में मां सहित एक साल के बेटे की घर में आग लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। काफी सेंसिटिव मामला था। उस दौरान महिला घर के दरवाजा बंद करके घर के अंदर खाना बना रही थी। घर में महिला और उसके एक साल के बेटे के अलावा कोई नहीं था। तमाम ऐसे सवाल थे जिसे पुलिस को खोजना था। पुलिस ने एक एक करके सारे तथ्यों पर नजर डाली और अंत में पति को गिरफ्तार कर लिया। घर को खाना बनाते समय ना जाने क्या हुआ, कैसे घर में आग लग गई, जबकि घर का दरवाजा बाहर से बंद था, जिसकी वजह से महिला मासूम बच्चे के साथ झुलस गई थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना मनगवा थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती की थी। यहाँ पर रहने वाले अमित वर्मा का परिवार काफी दिनों से रह रहा था। अमित वर्मा जब घर में नहीं थे उसी दौरान दोपहर को ये घटना घट गई थी। घर से धुआं निकलता देखकर आसपास के लोग पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो अमित की पत्नी अंजना और उसका एक साल का मासूम बेटा अर्पित आग में बुरी तरीके से झुलस चुके थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने मां बेटे के शव को अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद महिला और उसके बेटे के शरीर को परिजनों को सौंप दिया था। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। उसके बाद फिर प्रारंभ हुआ पुलिस की तफ्तीश का सिलसिला। पुलिस जानना चाहती थी, घर के अंदर से दरवाजा बंद था, मोहल्ले वालों ने दरवाजा तोड़ा था, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से महिला को ये कदम उठाना पड़ा। तमाम ऐसे सवाल जिसको पुलिस को खोजना। सबसे बड़ा सवाल, दरवाजा अंदर से बंद, आग कैसे लगी, क्यों लगी, जिसके चलते पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही थी। पुलिस ने परिजनों से अलग अलग बात की, जिसमें दहेज का मामला निकलकर सामने आया, जिसके चलते महिला का पति काफी दिनों से महिला को परेशान कर रहा था। पुलिस कप्तान नवनीत भसीन का साफ तौर से कहना है, मनगवा पुलिस ने एक एक करके सारे तथ्यों पर जांच की, अंत में पाया महिला का पति महिला की मौत और बच्चे के लिए जिम्मेदार है, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए पुलिस कप्तान मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इस प्रकरण में जिसमें महिला की आग से जलकर मृत्यु हुई थी, उसमें FSL अधिकारी द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया। SDP मनगवा ने भी घटनास्थल का विजिट किया और प्रकरण की जांच करने के पश्चात उसमें 304B का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और महिला के पति को उसमें अरेस्टिंग उनकी हो गई है। अभी प्रकरण की विवेचना SDP मनगवा द्वारा की जा रही है। प्रकरण में जो भी अन्य आगे जानकारियां होंगी वो आपको हम लोग शेयर करेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।